राजकोट से रेलवे कर्मी की बड़ी लापरवाही यहां सामने आई। रेलवे क्रॉसिंग गेट खुला छोड़कर ही यह शख्स सो गया। ये कह सकते हैं कि बड़ा रेल हादसा टल गया है। जिस इंसान की ड्यूटी थी वो क्रॉसिंग गेट बंद करे, उसे नींद आ गई थी और ट्रेन आने का टाइम हो चुका था। वहां मौजूद लोगों ने रेल कर्मी को जब जगाया तब जाकर फाटक बंद हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि ट्रेन को सिग्नल ना मिलने के चलते ट्रेन क्रॉसिंग से थोड़ी दूर ही रुकी हुई थी। जांच पूरी होने के आधार पर रेलवे प्रशासन आगे कार्रवाई की बात कह रहा है। सोचिए, नौकरी करनी थी लेकिन सोकर ये शख्स अपनी नौकरी पूरी कर रहा है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही, लेकिन जरा सोचिए अगर ट्रेन यहाँ से गुजर रही होती, फाटक बंद नहीं होता और कोई इसकी चपेट में आ जाता तो ये कितना भीषण हादसा हो सकता था। एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है इनके ऊपर। गेटमैन अगर गेट बंद नहीं करें तो न जाने कितने हादसे हो जाएं। ये मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग कई बार बहुत बड़ी चिंता का सबब रही है, लेकिन यहाँ तो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ट्रैक पर फाटक को बंद नहीं कर पा रहा है। फिलहाल इस मामले में विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला था, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अगर सिग्नल मिला होता और आगे बढ़ रही होती तो क्या हो सकता है, आप खुद अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं।